एक्सपीरियंस वहाँ गए। आपको मैं ऐसे सबसे मिलवा रहा हूँ जो आज के 2 साल पहले से मेरे से एप्साइटी बाहर कर रहे हैं और कभी मेरे को देखा नहीं उन्होंने। आज 2 साल बाद में उनसे मिलने का मौका मिला है और मैं उन शख्स से मिलवाना चाहूँगा। वो बताएंगे सारी डिटेल्स कैसे मंगवाया करते थे और कैसे उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो कितना बड़ा जाओ है इनका, यानी कि जो खेती है वो आप देख रहे हो यहाँ से लेके वहाँ तक। तो प्रेम जी सीधी अपन सही यहाँ पे सही आए, यहाँ अब आ जाओ आप, यहाँ यहाँ सही है यहाँ। देख लेता हूँ मैं तब के। तो किसान भाइयों आज ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूँ जो 2 साल से ऑलरेडी यूजर है एप्साइटी के, और ये बताएंगे कैसे इन्होंने मेरे से संपर्क किया और कैसे मंगवाया करते हैं। तो प्रेम जी नमस्कार, हम कैसे मिले थे? फोन फोन से बात पे करके बात आए। करके, बात करने के ऊपर ही इन्होंने 10,000 रुपये का जो अमाउंट है वो मेरे खाते में डाल दिया। हाँ अभी इन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं कि मेरा पैसा कहीं डूब जाएगा, लेकिन लोग बाग तो ऐसे सोचते हैं यार 700 रुपये कहीं मेरा चला न जाए, लेकिन इन्होंने तो बहुत बड़ी। सामान कितने दिन में पहुंचे? और सामान कितने दिन में पहुंचा था? सामान 5-6 दिन। 5-6 दिन तक आपको हाँ ये नहीं लगा कहीं भाई मेरा ना ना पैसा चला तो नहीं ना ना कुछ नहीं गया लगा। है? और बिल आया, कार्टून आया होगा, हाँ बिल कार्टून सब आया और फर्स्ट टाइम का जो प्रोडक्ट कैसे मिला था आपको, कहाँ जाके लाना पड़ा था आपको ये भी बता रतनगढ़, दो, है ना? रतनगढ़ से रतनगढ़ कितने किलोमीटर पड़ता है आपके यहाँ से? 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाके इन्होंने ये वो प्रोडक्ट उठाया था। अब तो इनके घर पे कितनी दूर हो जाता है, अब यहाँ पे डिलीवर होते हैं पास में हो जाती होगी। अब कह रहा जल्दी सर, 200 2 बार कितने किलोमीटर दूर है? 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर। अभी हमने क्या है और भी आसान करवा दिया इनकी डिलीवरी। जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई थी वो वहाँ पे 25 किलोमीटर दूर जाके लाए थे, मेरे अकाउंट में डाला पैसा इन्होंने, हमने ऑर्डर किया और इनके नाम से हमने बिल बनवा के भेजा और 25 किलोमीटर दूर जाके ये लेके आए। और फिर दूसरा जो सेकंड डिलीवरी हुई वो डायरेक्ट इनके घर के 9 किलोमीटर दूर पे हो गई। ये प्योर गांव है यहाँ पे, और आप देख रहे हो अभी इनके पूरे गेहूं और सरसों में। कुमार पड़ियार और आप 2 साल से यूज एफसीआईटी कर रहे यूज हो? कर रहे हो लेकिन किसानों को बता नहीं रहे बता नहीं हो। रहे। यही तो है, लेकिन किसान है ना, ये भी एक मिस्टेक ये भी है कि आप उनको बता दो और वो सोचे यार इनको कोई बेनिफिट तो नहीं है। अरे भाई पहले खुद का आप बेनिफिट देखो किसान भाइयों, आप अपना अपना खुद के बेनिफिट के लिए काम करो। प्रेम जी ने खुद के बेनिफिट के लिए 2 साल से चुपचाप रह करके एफसीआईटी का फायदा लिया है। आज इनको रिजल्ट का पता चल चुका है, कितने देने से कितना फायदा होता है, कैसे यूज होता है, वो सारा हम इनको ट्रेनिंग दे चुके हैं। पर बीघा में कितने का अपन पूरा शुरू से लेके एंड तक कितना खर्च हो जाता है, कितना ML लगता है इसमें? 300 ml लगता 300 ML है आपने दे प्रति दिया बीघा। प्रति बीघा के हाँ अंदर, एक और फसल। एक फसल के अंदर ना, और गेहूं के अंदर जैसे आप आंकड़ा देखते हो तो बिना एफसीआईटी के कितना गेहूं ले लेते हो आप प्रति बीघा के अंदर, कितने क्विंटल? 5-6 क्विंटल। 5-6 क्विंटल, और एफसीआईटी के साथ में 9-10 क्विंटल। 9-10 क्विंटल है ना। तो इसमें आपका एफसीआईटी का खर्चा कितना हुआ? 300 ML। हाँ 300 ml अब प्रति तीन सौ बीघा। एम एल का अगर अपन आप पैसा जोड़ते हैं ना, अपन अपन अगर लीटर के हिसाब से देखते हैं तो 300 रुपये का खर्चा आता है ना। हाँ 300 रुपये में आपने 4 क्विंटल का फायदा कर लिया। 300 रुपये में हाँ चार। मोटे से मोटा 3 क्विंटल लगा लो आप तो, हाँ है ना? तो 3 क्विंटल लगभग अपने बैठता है एक बीघा के अंदर कितने का? 9,000 रुपये का। 3,000 रुपये 1 क्विंटल का बैठता हाँ है ना, 9,000 का। 9,000 रुपये का। 300 रुपये में आपने 9,000 का फायदा ले लिया। तो ये फायदे की बात है या नुकसान की बात है? फायदे की बात है। फायदे की बात है ना। तो ये तो मेरे भाइयों किसान भाइयों क्यों आप ऐसे चक्कर में पड़े हो? बहुत सारी कंपनियां ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देती है जिनसे आपको फायदा नहीं मिलता है, जब एफसीआईटी की बारी आती है तो आप क्यों दिमाग लगाते हो? यहाँ पे है ना प्रेम जी अकेले खुद इनके मन से बोल रहे हैं कि इन्होंने जो फायदा लिया है, और बहुत सारे किसानों ने शायद हो सकता है आपने अभी बताया नहीं, लेकिन हाँ क्या बताया नहीं। आप प्रेम जी की बात से सहमत है सब लोग? इन्होंने रियल में लिया है ये सारा जो फायदा है ना। और मैं इनके फार्म पे आ जाया हूँ, है ना? अभी देखो वहां पे सेटअप लगा हुआ पानी का, है ना? और ऐसे लगता है जैसे आसाम के बागों में हम आ जाए हैं। चारों तरफ है ना हरियाली हरियाली दिख रही है। तो ये प्रेम जी 2 साल से हमारे से कनेक्ट है। जहाँ 6 क्विंटल गेहूं ले रहे थे वहां पे इन्होंने 10 क्विंटल लिया है एफसीआईटी से। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इसका फायदा उठाइए। और प्रेम जी का तो ये है कि अब प्रेम जी अब आप खुल के बोलेंगे किसानों को, अब बोल आप दे। और हाँ किसानों को भी दिलवाओ फायदा, क्योंकि दिला दे। 2 साल से आप चुपचाप फायदा ले रहे हो। हाँ तो ये फायदा आप अपने एरिया में भी बताओ, और वो बहुत सारे किसान है ना इस चीज को नोट करें, जो आप एफसीआईटी अगर साथ में खेती करते हो तो आपको 4 क्विंटल एक्स्ट्रा पर बीघा के हिसाब से मिलेगा। बीघा आपके एरिया में हो सकता है छोटा हो बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे मैं चुरू राजस्थान की बात कर रहा हूँ, चुरू। तो चलिए लौटते एक नए लोगों से, और बहुत सारे किसानों को आज प्रेम जी बताने वाले हैं। बहुत सारे किसानों को होप भी मिली होगी कि आप भी इस एफसीआईटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। चलिए प्रेम जी आओ। चलो।